नमस्कार जी सभी को, आई वेलकम यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो थर्मोडायनामिक्स की सीढ़ी दर सीढ़ी हम आगे 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 चढ़ते चले जा रहे हैं और धीरे धीरे सारे कॉन्सेप्ट्स को समझते चले जा रहे हैं। सो पिछली वीडियोस के अंदर हमने जो सेकंड पार्ट था थर्मोडायनामिक्स की वीडियोस का, उन सबको डिटेल में डिस्कस किया और हम लोगों ने एंट्रोपी का थर्मोडायनामिक एस्पेक्ट, एंट्रोपी का स्टैटिस्टिकल एस्पेक्ट दोनों स्टडी किए। एंड स्टिल वी आर इन द प्रोसेस ऑफ डिस्कशन ऑफ स्टैटिस्टिकल एस्पेक्ट ऑफ एंट्रोपी, जो कि हमें पता है कि एक इंटरकनेक्शन का काम कर रहा था, एक ब्रिजिंग का काम कर रहा था बिटवीन थर्मोडायनामिक्स एंड स्टैटिस्टिकल फिजिक्स। तो थर्मोडायनामिकल डेफिनेशन डीएस इज इक्वल टू डेल्टा क्यू बाई टी हमने डिराइव की। फिर इसके बाद हमने इसकी स्टैटिस्टिकल डेफिनेशन एस इज इक्वल टू के लॉग डब्ल्यू सो उसको डिराइव किया, वे डब्ल्यू वाज थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी ऑफ द सिस्टम। हमने वहाँ पर बात किया कि थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी और एंट्रोपी दोनों ही सिमिलर टर्म्स हैं और दे बोथ डील विद द इक्विलिब्रियम स्टेट ऑफ द सिस्टम। ये सारी बातें हम कर चुके हैं। तो अभी कुछ एक स्टैटिस्टिकल एस्पेक्ट्स अभी भी बाकी हैं एंट्रोपी के, जो कि ज़रूरी हैं ताकि हम इसका थर्मोडायनामिक्स के साथ पूरा कोरिलेशन सेटअप कर सकें और उसके रिश्ते की गहराई को नाप सकें। इसके लिए ज़रूरी है कि उसकी पुरानी जड़ों को कुरेदा जाए, पुरानी जड़ों को समझा जाए कि जड़ें कहाँ तक फैली हैं। सो इन द सीक्वेंस ऑफ दैट मैं ये कह सकती हूँ कि एंट्रोपी जो है, हम उसकी प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे, लॉ ऑफ इंक्रीज ऑफ एंट्रोपी वी विल बी डिस्कसिंग टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो एंड ऑल्सो वी विल बी डिस्कसिंग द एडिटिव नेचर ऑफ एंट्रोपी। सो आई एम गोइंग टू डिस्कस नाउ एडिटिव नेचर ऑफ एंट्रोपी। नेम से ही क्लियर है, एडिटिव ऐड करना है, और किस तरीके से ऐड होगी आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। स्केलर होती हैं जी क्वांटिटीज, वेक्टर होती हैं, स्केलर सम होता है, वेक्टर सम होता है, एक्सटेंसिव पैरामीटर्स आर देयर, इंटेंसिव पैरामीटर्स आर देयर इन द केस ऑफ थर्मोडायनामिक्स, इन द केस ऑफ स्टैटिस्टिकल फिजिक्स। सो लाइक दैट अभी हमें एंट्रोपी की बात करनी है। अब देखना है कि भैया एंट्रोपी किस तरीके से ऐड होती है, कि मेरे पास दो सिस्टम्स हैं या मैं कहूँ कि दो कंटेनर्स हैं, उन दो कंटेनर्स में गैसेज हैं, मैंने पहले उनको सेपरेट रखा हुआ अलग 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 बॉक्सेज में, फिर मैंने उनको ज्वाइन कर दिया, वो बीच की सेपरेशन हटा दी, अब दोनों मिल गई हैं, सो आई जस्ट वॉन्ट टू चेक कि अब एंट्रोपी का क्या बनेगा। तो इसके लिए मुझे पहले सिस्टम को कंसीडर करना होगा। वैसे मैं आपको पहले बता दूं कि एंट्रोपी ऑफ द होल सिस्टम इज इक्वल टू द सम ऑफ एंट्रोपीज ऑफ इंडिविजुअल टू सब सिस्टम्स, यानी कि एंट्रोपी क्या है, एडिटिव है। अगर एक सिस्टम की एंट्रोपी S1 है और दूसरे सिस्टम की एंट्रोपी S2 है, तो टोटल एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम इट विल बिकम S1 प्लस S2। तो एडिटिव नेचर के लिए यू विल हैव टू कंसीडर, आप लोग पहले बता देंगे कि एंट्रोपी इज एडिटिव इन नेचर। एंट्रोपी ऑफ अ कंप्लीट सिस्टम विच इज further divided into subsystems is the sum of individual entropies of the subsystems. So इतना लिखने के बाद आप लोग अपने सिस्टम को कंसीडर करेंगे। You will consider a system in equilibrium and now assume that the system consists of दो हैं और दोनों separate subsystems हम पहले consider करेंगे। So I'm having a system और उस system को मैंने दो डिफरेंट पार्ट्स के अंदर सेग्रीगेट कर लिया है, कुछ इस तरीके से सेपरेशन है। सो और ये वाला जो है, दिस इज फर्स्ट सब सिस्टम, ये सब सिस्टम वन हो जाएगा एंड दिस विल बी द सेकेंड सब सिस्टम, ये हो जाएगा सब सिस्टम नंबर टू। सो कंसीडर अ सिस्टम इन इक्विलिब्रियम एंड अज्यूम दैट द सिस्टम कंसिस्ट ऑफ टू सेपरेट सब सिस्टम्स 1 and 2 जस्ट एज शोन इन फिगर। सो लेट अस सपोज दैट एंट्रोपी ऑफ दिस होल सिस्टम इज एस and entropy of system subsystem S1 is S1 and entropy of subsystem 2 is S2, and let us suppose thermodynamic probability of subsystem 1 is W1 and thermodynamic probability of subsystem 2 is W2. So S1 and S2 and 1 or 2 ki entropies hain, W1 and W2 inki thermodynamic probabilities hain. Now according to the statistical definition of entropy, S हमें पता है इट इज इक्वल टू के log W, ये होता है, हमने पिछली वीडियो के अंदर इसको डिराइव भी किया। सो अप्लाइंग द स्टैटिस्टिकल डेफिनेशन ऑफ एंट्रोपी ऑन सब सिस्टम्स एट S1 एंड S2, जब हम यहाँ पर इम्प्लीमेंट करेंगे, सो मैं यहाँ लिख देती हूँ फॉर सिस्टम 1,
सिस्टम वन के लिए S1 इज इक्वल टू के लॉग W1। यहाँ पर K1 K2 नहीं रहेगा बिकॉज आपको पता है K इज द बोल्ट्जमैन कॉन्स्टेंट एंड इट हैज़ वैल्यू 1.38 इंटू 10^-28 और जूल पर केल्विन आपको पता है इसके यूनिट्स रहते हैं। सो के इज़ अ कॉन्स्टेंट, इसमें आप 1, 2 नहीं लगाएंगे। एंड फॉर सिस्टम सब सिस्टम 2 S2 एंट्रोपी ऑफ सब सिस्टम 2 इट विल बी गिवन एज S2 इज इक्वल टू के लॉग W2। S2 की वैल्यू भी लिख ली हमने, S1 की वैल्यू भी लिख ली। अब हमें पता, नाउ अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ प्रोबेबिलिटीज, हमने स्टेटिस्टिकल फिजिक्स की वीडियोस के अंदर बहुत डिटेल में इन सारी चीज़ों को वहाँ पर डिस्कस किया था कि स्टेटिस्टिकल फिजिक्स के अंदर जो प्रोबेबिलिटी है, लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी वहाँ पर रहता है। और आप लोग वहाँ पर जाकर सर्च करके उस वीडियो को देख सकते हैं, अदरवाइज आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में भी अवेलेबल है, सो आप वहाँ भी जाकर देख सकते हैं। सो द थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी ऑफ द होल सिस्टम मस्ट be the equal to the product of two thermodynamic probabilities of two individual subsystems. So according to multiplication law of probabilities, probability of the whole system is W. It is equal to the product of thermodynamic probabilities of the two individual subsystems W1 and W2. Now taking natural log on the both sides, और मैंने पहले भी कहा था कि अगर आप जब भी log लेंगे वो physics में natural log ही होगा, taking log on both sides, so log W is equal to log W1 into W2. आपको पता है log A into B is equal to log A plus log B, so I can write it log W1 plus log W2. तो log W मेरे पास किसके इक्वल आ गया, log W1 plus log W2. Now I will multiply this equation both sides with K, multiplying both sides by K. तो हमारे पास आ जाएगा K log W is equal to K log W1 plus K log W2. And from the equations 1 and 2, अगर आप use करेंगे, यहाँ पर you will be using 1 and 2, मैं इधर लिख देती हूँ, हमें क्या मिल जाएगा, S इज इक्वल टू S1 प्लस S2। यार यही बात हमने स्टार्टिंग में कही थी। देयरफॉर द एंट्रोपी ऑफ द होल सिस्टम S इज इक्वल टू द सम ऑफ इंडिविजुअल एंट्रोपीज ऑफ द सब सिस्टम्स S1 एंड S2। दैट मीन्स एंट्रोपी इज एडिटिव इन नेचर। और यहाँ पर तो हमने दो ही टुकड़ों में बांटा। अब आप कहेंगे भी नहीं जी, मेरा तो दो टुकड़ों में काम नहीं चलेगा, मैं तो इसको कट करते जाऊँगा। तो आप कितने भी टुकड़े कर लीजिए सिस्टम के, उन सभी टुकड़ों का जो एंट्रोपीज का सम रहेगा वो आपको पूरे सिस्टम की एंट्रोपी दे देगा। सो इफ़ यू आर हैविंग सब सिस्टम्स इन जनरल S1, S2, S3, S4 आर देयर एंट्रोपीज, देन इन जनरल टोटल एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम S विल बी इक्वल टू S1 प्लस S2 प्लस S3 एंड सो ऑन। जितने भी सब सिस्टम्स आपने डिवाइड किए हैं उन सब की एंट्रोपीज डायरेक्टली ऐड हो जाएंगे एंड यू विल गेट द एंट्रोपी ऑफ द होल सिस्टम। सो यहाँ से एक चीज़ क्लियर हो गई कि जैसे जैसे आप एक सिस्टम है उसमें दूसरा ऐड किया तो एंट्रोपी भी ऐड होगी, थर्ड वन ऐड किया तो एंट्रोपी ऐड होगी, फोर्थ वन ऐड किया तो एंट्रोपी ऐड होगी। सो आप ऐड करते जा रहे हैं, एंट्रोपी जो है बढ़ती चली जा रही है, दैट मीन्स एंट्रोपी डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, क्योंकि सिस्टम बड़ा होता है जब दो सिस्टम्स मिलते हैं तो अमाउंट ऑफ मैटर जो है वो बढ़ जाती है और उसके बढ़ते ही एंट्रोपी बढ़ रही है। दैट मीन्स एंट्रोपी जस्ट लाइक एरिया एंड वॉल्यूम, इट इज़ एक्सटेंसिव पैरामीटर। आप लोगों को याद होगा कि हमने पहले डिस्कस किया है कि पैरामीटर्स दो टाइप के होते हैं, या मैं कहूँ कि क्वांटिटीज दो टाइप की होती हैं, एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव। प्रेशर, टेम्परेचर, सरफेस टेंशन, डेंसिटी, ये जो क्वांटिटीज हैं ये अमाउंट ऑफ मैटर, क्वांटिटी ऑफ मैटर के साथ वेरी नहीं करती, दैट इज वाई दीज आर इंटेंसिव। बट जो क्वांटिटीज, जो पैरामीटर्स अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के साथ, क्वांटिटी ऑफ मैटर के साथ वेरी होने लग जाते हैं, वी कॉल देम एक्सटेंसिव पैरामीटर्स एंड एंट्रोपी इज वन ऑफ देम। सो दैट इज व्हाई वी कैन से दैट एंट्रोपी इज एन एक्सटेंसिव पैरामीटर। तो ये कहानी थी एडिटिव नेचर ऑफ एंट्रोपी की। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द लॉ ऑफ इंक्रीज ऑफ एंट्रोपी, जो कि बात बार बार थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी करता है। हम इसकी सेकंड लॉ के साथ, थर्ड लॉ के साथ, मैंने पहले भी कहा कि रिलेशनशिप, इसका रिश्ता नापते जाएंगे, स्टडी करते जाएंगे इन दोनों के साथ। इसके रिश्ते की गहराई को जब तक हम अच्छे से नहीं नाप लो लेंगे तब तक हमें चैन नहीं आएगा, हम सांस नहीं लेंगे। सो लेट अस डिस्कस नाउ लॉ ऑफ इंक्रीज ऑफ एंट्रोपी।
बस यहाँ तक ही रेज कर देते हैं, ज़्यादा नहीं। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, वी द ह्यूमन बींग्स आर द मोस्ट सेल्फिश एंड मोस्ट लेजी स्पीशीज इन दिस होल यूनिवर्स। हमें बार बार लिखना, बार बार पढ़ना, बार बार एक ही चीज़ को रिपीट करना अच्छा नहीं लगता, हम करते भी नहीं हैं। फिजिक्स ऑल्सो बिलीव्स इन अप्रॉक्सीमेशंस। आपको पता है, जो चीज़ हमें बहुत ज़्यादा तंग करती है हम उसको छोड़ देते हैं, बिकॉज वी वॉन्ट टू नो, वी वॉन्ट टू जस्ट गेट इन टू द नियरनेस टू द आइडियालिटी और नियरनेस टू द सोल्यूशन। एग्जैक्ट की बात हम बाद में करते हैं, पहले हम नज़दीक पहुँचना पसंद करते हैं। सो नाउ लेट अस डिस्कस लॉ ऑफ इंक्रीज ऑफ एंट्रॉपी। सो लॉ ऑफ इंक्रीज ऑफ एंट्रॉपी, देखिए मैंने कैसे जोड़ दिया कहानी को। सो लॉ ऑफ इंक्रीज ऑफ एंट्रॉपी, इसके लिए फिर से हमें अपना सिस्टम कंसीडर करना पड़ेगा। लेट अस कंसीडर एन आइसोलेटेड सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ वेरी लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स। बहुत ज़्यादा पार्टिकल्स वाला एक सिस्टम हमने कंसीडर कर लिया, और आइसोलेटेड सिस्टम कहने के पीछे मेरा लॉजिक ये है कि उस सिस्टम के पार्टिकल्स आपस में तो इंटरैक्ट कर सकते हैं, बट वो सराउंडिंग्स के साथ किसी भी लिंक में नहीं है। सराउंडिंग्स के साथ हमने उनको आइसोलेशन में, सेग्रीगेशन में कर दिया। कोविड नहीं हुआ है इसको, दिस इज क्वांटिटी। हमें सराउंडिंग्स को इससे थोड़ा परे रखना है, ताकि जो सराउंडिंग के साथ इंटरैक्शन है उसको हम छोड़ सकें, उसको हम निग्लेक्ट कर सकें। सो आपको क्या करना है यहाँ पर, यू विल कंसीडर असिस्ट कंसीडर एन आइसोलेटेड सिस्टम दैट कंटेन्स वेरी लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स। एंड एन आइसोलेटेड सिस्टम मीन्स द सिस्टम हुज पार्टिकल्स कैन इंटरैक्ट विद ईच अदर म्यूचुअली, बट देर इज नो इंटरैक्शन विद द सराउंडिंग्स। सो सच अ सिस्टम नीदर लूजेज हीट नोर गेन्स एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग्स। तो वो अपनी आउटसाइड से ना तो एनर्जी को गेन कर सकता है, ना लूज कर सकता है, ना हीट गेन कर सकता है, ना लूज कर सकता है। ऐसे सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, आइसोलेटेड सिस्टम। सो इफ ऑल द पार्ट्स ऑफ सच अ सिस्टम आर एट सेम टेम्परेचर, देन इट इज सेड टू बी इन द स्टेट ऑफ थर्मल इक्विलिब्रियम। अगर सारे पार्ट्स का, उस सिस्टम के हर एक पार्ट का टेम्परेचर सेम है, तो हम उसको क्या कहना शुरू कर देते हैं कि ये सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम में है। सो दिस सिस्टम, मैं कहूँ कि दिस इज द सिस्टम ऑफ मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी इन, क्योंकि अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, तो हमने पहले भी बात करी स्टैटिस्टिकल फिजिक्स इक्विलिब्रियम को किस कंटेक्स्ट में लेती है, मैक्सिमाइजेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी। सो इसका मतलब सिस्टम मैक्सिमम थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी की स्टेट में है। एंड नाउ वी नो दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ द सिस्टम टू एग्जिस्ट इन अ स्टेट हैविंग इवन अ स्मॉल डेविएशन फ्रॉम द स्टेट विच हैज मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी इज नेग्लिजिबल। क्योंकि अगर सिस्टम अपनी मोस्ट प्रोबेबल स्टेट में है, तो डेविएशन होने के चांसेस कम है। आपको स्टैटिस्टिकल फिजिक्स के अंदर डेविएशन वाली वो कर्व तो याद होगी, सो आपको वो भूली बिसरी बातें मैं ज़रूर याद करवाना चाहूँगी। ये कर्व कुछ आपको याद होगी, नहीं याद है तो मैं डेफिनेटली इसको याद करवाने की कोशिश करूँगी कि हमारा आपका सबका प्यारा सिस्टम जो है वो इस कर्व को फॉलो करता है। अगर हम डेविएशन लेते हैं, सो दिस वाज अ कर्व ऑफ पी एक्स, पी मैक्स रेशो है, और अलॉन्ग एक्स एक्सिस हमने क्या लिया था एक्स, दैट वाज डेविएशन, जिसको आप परसेंटेज में भी ले सकते हैं, आप इसको फ्रैक्शन में भी ले सकते हैं। और ये डेविएशन कहाँ से है, फ्रॉम मोस्ट प्रोबेबल स्टेट, कि सिस्टम अपनी मोस्ट प्रोबेबल स्टेट में रहता है उससे कितनी दूर जाता है। तो देखिए ये चीज़, ये सेंट्रल लाइन जो है वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है, कि मैक्सिमम टाइम्स या मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपनी उसी मोस्ट प्रोबेबल स्टेट में रहने की कोशिश करते हैं। यहाँ से इधर डेविएशन है, यहाँ से इधर डेविएशन है, यहाँ से इधर, यहाँ से इधर, सो दीज आर द डेविएशंस। और ये जो वैल्यू है, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी विच इज़ द वन। सो मोस्ट प्रोबेबल स्टेट ये वाली है, दिस वन, जिसके लिए x की वैल्यू क्या रहती है, 0%। सो दिस पॉइंट करस्पॉन्ड्स टू द मोस्ट प्रोबेबल स्टेट ऑफ द सिस्टम। ये कर्व मुझे आपको याद करवानी थी, अगर कुछ को याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो देख लीजिए, आपको याद आ जाएगी। हमने वहाँ पर इसको किया था कि क्या रहता है, कि इस फिगर में ये चीज़ शो की गई है कि सिस्टम मैक्सिमम टाइम्स यहीं रहने की कोशिश करता है, और इधर 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 धीरे जाते जाते उसके एग्जिस्ट होने के जो चांसेस हैं वो कम हो जाते हैं। नाउ इफ द सिस्टम इज इनिशियली इन द स्टेट ऑफ डिफरेंट स्टेट फ्रॉम द स्टेट ऑफ मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी, इट विल वेरी क्विकली कम बैक टू द स्टेट ऑफ मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ड्यू टू द नेचुरल कोलिजन्स ऑफ द पार्टिकल्स कॉन्स्टिट्यूटिंग द सिस्टम। कि अगर हम सिस्टम को थोड़ा सा हमने पहले ही डिस्टर्ब कर दिया, भैया मुझे पता
जाता है कि ये वली जो है दिस इज़ द मोस्ट प्रोबेबल स्टेट ऑफ द सिस्टम। मैंने पहले ही उसको थोड़ा सा खींच के साइड पर कर रखा है कि पहले ही डिस्टर्ब्ड स्टेट में है, तो सिस्टम इमिजिएटली क्विकली अपनी उसी स्टेट में आने की कोशिश करता है। अब मान लीजिए, मैं बता देती हूँ आपको, फॉर एग्जांपल जैसे मैं हमेशा टीचर स्टूडेंट्स की एग्जांपल्स पिछली वीडियोस के अंदर ले रही थी कि अगर टीचर क्लास में नहीं है, एक्सटर्नल एजेंसी नहीं है जिसने उन्हें ऑर्डर देना है, तो स्टूडेंट्स जो है वो रैंडम स्टेट में है, दे आर मैक्सिमम एंट्रोपी स्टेट, कि कोई खाना खा रहा है, कोई पढ़ रहा है, कोई गाना गा रहा है, कोई सो रहा है, कोई कागज़ के एरोप्लेन्स बना बना कर फेंक रहा है, सो ऑल देयर chaos is there. सो दैट इज़ द मोस्ट प्रोबेबल स्टेट ऑफ द सिस्टम। सिस्टम वहीं रहना चाहता है, अपने कम्फर्ट जोन के अंदर रहना चाहता है। अब मान लीजिए मेरा लेक्चर चल रहा है, मैं पढ़ा रही हूँ स्टूडेंट्स को, स्टूडेंट्स आर द ऑर्डर्ड वंस, वो एक ऑर्डर्ड स्टेट में है, एंड आई यूज़ अ स्ट्रैटेजी कि मैं इस क्लास को तभी छोड़ूंगी जब अगला टीचर आ जाएगा। तो जब अगला टीचर आएगा और मैं निकलूंगी, सो मैं टाइम नहीं दे रही हूँ सिस्टम को, मैं ऑर्डर्ड स्टेट में छोड़ूंगी, मुझे लगेगा कि उस सिस्टम को ऑर्डर्ड क्लास मिलेगी, तो उनको वो जो एंट्रोपी को जो कवर करने के अंदर जो एनर्जी वेस्ट करनी है वो नहीं करनी पड़ेगी। बट द मोमेंट आई विल लीव द क्लास एंड टीचर एंटर्स द क्लास अंटिल अनलेस शी और ही डजंट स्पीक इवन अ सिंगल वर्ड, इतनी देर में ही थोड़ा बहुत कैओस तो आ जाएगा, क्योंकि कोई अपनी सीट चेंज करना चाहेगा, कोई नोटबुक निकालना चाहेगा, कोई नोटबुक अंदर डालना चाहेगा, सो दैट इज रैंडम। So, वही मैं कहना चाहती हूं कि सिस्टम हमेशा कोशिश करता है टू कम बैक टू द स्टेट ऑफ मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी, कि अगर हमने पहले से ही उसको उसकी मैक्सिमम, मैंने मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी से दूर रखा हुआ था स्टूडेंट को, उनके खींच के रखा हुआ था, वो डिसऑर्डर से दूर थे, लेकिन जैसे ही उनको मौका मिला दे जस्ट गो इन टू भैया डाम डाम डूम डूम हमें करना है। सो सिस्टम ऑलवेज ट्राइज टू मूव टू द मोस्ट प्रोबेबल स्टेट विच इज द स्टेट ऑफ मैक्सिमम थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी और विच इज द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। सिस्टम हमेशा वहां पर आने की कोशिश करता है और ये हमें इस ग्राफ से पता चलता है। राइम हो गई, सिस्टम हमेशा वहां आने की कोशिश करता है और ये हमें उस ग्राफ से पता चलता है। सो ड्यूरिंग दिस चेंज द थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी ऑफ द सिस्टम इंक्रीज, क्योंकि जब सिस्टम वहां जाने की कोशिश करेगा उस मोस्ट प्रोबेबल स्टेट के अंदर, मोस्ट प्रोबेबल स्टेट की थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी हमें पता है ज्यादा होती है। सो एज द एंट्रोपी इज प्रोपोर्शनल टू थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी, क्योंकि हमने ऑलरेडी पढ़ा है एस इज इक्वल टू K log W, क्योंकि S और W प्रोपोर्शन में है, अगर W बढ़ गया तो एंट्रोपी को बढ़ना पड़ेगा। सो एंट्रोपी विच इज प्रोपोर्शनल टू द थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी ऑफ द सिस्टम विल ऑल्सो इंक्रीज। सो द सिस्टम आफ्टर अटेनिंग द स्टेट ऑफ मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी एंड मैक्सिमम एंट्रोपी कैन गो बाय इटसेल्फ टू अ स्टेट ऑफ लोअर प्रोबेबिलिटी ऑल्सो, और इट मे लूज प्रोबेबिलिटी और सॉरी इट मे लूज एंट्रोपी, देयरफॉर डेल्टा एस इज इक्वल टू जीरो फॉर द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। सो देर इज एन इंक्रीज इन एंट्रोपी ऑफ अ सिस्टम एज इट मूव्स फ्रॉम द स्टेट ऑफ लोअर प्रोबेबिलिटी टू द स्टेट ऑफ मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी, एंड दिस चेंज इज एन इरिवर्सिबल प्रोसेस, इसका बैक आना पॉसिबल नहीं है। किस तरह, क्योंकि हमेशा जो एंट्रोपी के अंदर चेंज रहता है डेल्टा एस, दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो, एंड दिस इज लॉ ऑफ इंक्रीज ऑफ एंट्रोपी, दैट डेल्टा एस इज ग्रेटर देन इक्वल जीरो फॉर एन इरिवर्सिबल प्रोसेस। हर एक इरिवर्सिबल प्रोसेस में चेंज इन एंट्रोपी क्या रहेगा, ग्रेटर देन जीरो। देयरफॉर वी कैन से दैट एंट्रोपी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम और सेल्फ कंटेन्ड सिस्टम ईदर इंक्रीजेस और रिमेन्स कॉन्स्टेंट डिपेंडिंग ऑन द प्रोसेस इज इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल। सो दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल और लॉ ऑफ इंक्रीज ऑफ एंट्रोपी, कि एंट्रोपी एक इरिवर्सिबल प्रोसेस में हमेशा इंक्रीज होती है, और अगर प्रोसेस रिवर्सिबल है तो वहीं रह जाती है, चेंज इन एंट्रोपी जीरो हो जाता है, बट लेस देन जीरो इज नॉट पॉसिबल। इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में हम इरिवर्सिबल प्रोसेस के अंदर एंट्रोपी के अंदर जो चेंज है उसको हम मैथमेटिकली भी प्रूव करेंगे, क्वालिटेटिवली आज हमने समझ लिया। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि फिजिक्स जो है वो क्वालिटेटिव भी है और वो क्वांटिटेटिव भी है, तो हमें क्वालिटी को भी अंडरस्टैंड करना है, हमें क्वांटिटी को भी अंडरस्टैंड करना है। सो हम इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल प्रोसेसेस के अंदर सेपरेटली एंट्रोपीज के अंदर चेंज जो है उसको डिराइव करेंगे, प्रूव करने की कोशिश करेंगे कि एंट्रोपी इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। सो डेल्टा एस ग्रेटर देन जीरो कहां पर रहता है, हमेशा इरिवर्सिबल प्रोसेस के अंदर, एंड डेल्टा एस इक्वल टू जीरो हमेशा कहां रहता है, इन रिवर्सिबल प्रोसेस। कि अगर प्रोसेस रिवर्सिबल है तो एंट्रोपी में भैया कोई चेंज ही नहीं आता है, तो जब एंट्रोपी में चेंज नहीं आएगा तो डेल्टा एस क्या हो जाएगा, जीरो।
सो ये था लॉ ऑफ इंक्रीज ऑफ एंट्रोपी. नाउ वी मस्ट डिस्कस द एग्जाम्पल्स ऑफ इंक्रीज इन एंट्रोपी इन द नेचुरल प्रोसेसेस. क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ कि जब तक आप फिजिक्स को रियल लाइफ के ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, फिजिक्स पढ़ने का कोई फ़ायदा ना था, ना है और ना कभी होगा. सो फिजिक्स की कहानी यही है, यही है, यही है. जिंदगी की कहानी यही है, फिजिक्स है, फिजिक्स है. सो हमें उन एग्जाम्पल्स को अंडरस्टैंड करना है. So I must give you the two examples, expansion of a gas and diffusion of one gas into another. There are two famous examples which represent that entropy increases in the natural processes. तो हम first example की बात करेंगे expansion of gas. कि आप gas को expand करते हैं जब, तब entropy में increase होता है. एग्जाम्पल्स कर रहे हैं हम, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स या नेचुरल प्रोसेसेस के अंदर एग्जाम्पल्स. सो कंसीडर अ वेसल विच इज़ डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ्स बाय अ पार्टीशन. मैंने एक वेसल कंसीडर किया, दो अलग अलग हाफ्स में ले लिया बाय अ पार्टीशन. एंड सपोज वन ऑफ द हाफ्स इज फिल्ड विद द गैस एंड सेकेंड हाफ इज एम्प्टी. यहाँ पर मैंने गैस ले ली है और यहाँ पर कुछ भी नहीं है, ये खाली कंटेनर है. सपोज सेपरेशन है बट एक साइड खाली है. नाउ इफ द पार्टीशन इज रिमूव्ड, अगर मैं इसको हटा दूंगी तो क्या होगा, जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं वो भटके इंसान की तरह एकदम से दूसरी तरफ जाने लग जाएंगे. सो इफ द पार्टीशन इज रिमूव्ड, द गैस मॉलिक्यूल्स विल ऑक्यूपाई द होल स्पेस एंड दे विल ट्राई टू फिल द होल ऑफ द कंटेनर. दैट मीन्स गैस एक्सपैंड. Now, according to the law of increase in entropy, this is natural. We know that the thermodynamic probability depends on the number of available cells and which in turn depends on the volume. अब क्योंकि जैसे ही ये पार्टीशन हटाई, वॉल्यूम बढ़ गया. अब गैस के मॉलिक्यूल्स कहाँ कहाँ ऑक्यूपाई हो सकते हैं, अवेलेबल जो सेल्स हैं वो बढ़ गई. अगर अवेलेबल सेल्स बढ़ जाएंगी तो W जो है थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी वो बढ़ जाएगी, और अगर W बढ़ेगा तो एंट्रोपी विल डेफिनेटली इंक्रीज. सो आप कह सकते हैं कि वॉल्यूम अवेलेबल टू द गैस मॉलिक्यूल्स इज इंक्रीज व्हेन इंक्रीज फ्रॉम द इनिशियल वॉल्यूम व्हेन यू रिमूव द पार्टीशन. And thermodynamic probability also increases by the removal of partition. So as all the natural processes tends to change in direction of increasing W, which is thermodynamic probability, therefore gas expands to the whole volume. So expansion of gas जो है वो भी किसके मैं कहूँ कि किसके साथ इन coordination है, that is law of increase of entropy. So second example हम लेंगे diffusion of one gas into other. जो मैं बोलती जा रही हूँ, मैं हमेशा कहती हूँ कि आप लिखते जाइए, आपके notes बन जाएंगे. So diffusion of one gas into other, this is also the example of law of increase of entropy. तो इसके लिए फिर से वही, हम container में इसको erase कर देती हूँ. हम एक बड़ा कंटेनर लेंगे और उस बड़े कंटेनर के दो पार्ट्स लेंगे. यू विल कंसीडर अ कंटेनर विच इज सब डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, सपोज ए एंड बी, एंड देयर आर टू गैसेस, गैस ए एंड गैस बी. एंड लेट अस सपोज द थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी ऑफ गैस ए इज डब्ल्यू ए एंड थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी ऑफ गैस बी इज डब्ल्यू बी. एंड एंट्रोपी ऑफ गैस ए इज एस ए एंड एंट्रोपी ऑफ गैस बी इज एस बी. एंड वी नो दैट फ्रॉम द स्टेटिस्टिकल डेफिनेशन ऑफ एंट्रोपी, एस इज इक्वल टू के लॉग डब्ल्यू होता है. फॉर सिस्टम ए ये वाला हो जाएगा, एंड फॉर सिस्टम बी एस बी विल बी इक्वल टू के लॉग डब्ल्यू बी. तो ये इंडिविजुअल एंट्रोपीज रहती हैं. एंड व्हेन यू विल रिमूव द पार्टीशन, जैसे ही आप इस पार्टीशन को रिमूव करेंगे, आपको पता है गैसेस विल ट्राई टू इंटरमिक्स विद ईच अदर. गैस ए बी की तरफ, बी ए की तरफ आने की कोशिश करेगी, एंड वी कॉल इट डिफ्यूजन, कि जिसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी वो उस साइड से दूसरी साइड जाने की कोशिश करेंगे. तो अब क्या है एंट्रोपी ऑफ दिस होल सिस्टम एस, उसको हमें लेना है. उसके लिए हम लेंगे लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ प्रोबेबिलिटीज, डब्ल्यू ए इंटू डब्ल्यू बी फ्रॉम द लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ प्रोबेबिलिटीज, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, लॉग डब्ल्यू, लॉग डब्ल्यू ए, डब्ल्यू बी. सो हमें पता है लॉग ए इंटू बी किसके इक्वल हो जाता है, लॉग ए प्लस लॉग बी, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स विद के लॉग डब्ल्यू, के लॉग डब्ल्यू ए
plus k log w b. So this is s, this is sc and this is sb. तो जब हमने पार्टीशन रिमूव नहीं करी तब एंट्रॉपी अगर मुझे टोटल पूरे सिस्टम की लेनी थी तो वो दोनों एंट्रॉपीज का सम था. Now I'm going to remove this partition. अब मैं इस partition को हटाऊंगी. अब मैं जैसे ही इस partition को हटाऊंगी मुझे पता है गैस A के मॉलिक्यूल zoom 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 गैस B में जाएंगे और गैस B के मॉलिक्यूल zoom 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 गैस A में आएंगे. आपने लॉ ऑफ डिफ्यूजन पढ़ रखा है कि जिसकी कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होती है उससे दूसरे वाले के अंदर जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो जाने शुरू हो जाते हैं. अब खाली कंटेनर वाले के अकॉर्डिंग ही आप ध्यान रखिए कि यहाँ पर सपोज ए है उसको इधर भी जगह मिल गई तो वो इधर जाने लगेंगे. सो अब नई जो गैस ए की थर्मोडाइनमिक प्रोबेबिलिटी है उसको मैंने डब्ल्यू ए डैश कह दिया, इसको डब्ल्यू बी डैश, ये एस ए डैश हो गई, सपोज एस बी डैश हो गई. एंड इट इज़ वेरी मच क्लियर दैट डब्ल्यू ए डैश इज ग्रेटर दैन डब्ल्यू ए, क्योंकि अवेलेबल जो फेस स्पेस सेल्स हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्री सेल्स हैं वो बढ़ गई हैं, इसके लिए स्पेस बढ़ गया है. स्पेस बढ़ गया तो मॉलिक्यूल्स कहीं भी जा सकते हैं, यहाँ जाएगा, वहाँ जाएगा, इधर जाएगा, उधर जाएगा, कहीं भी जा सकता है. सो इसी तरीके से डब्ल्यू बी डैश को भी स्पेस ज़्यादा मिल जाएगा बी के मॉलिक्यूल्स को भी, तो डब्ल्यू बी डैश विल बी ग्रेटर दैन डब्ल्यू बी. और डब्ल्यू डैश टोटल थर्मोडाइनमिक प्रोबेबिलिटी फ्रॉम द लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ प्रोबेबिलिटीज क्या हो जाएगा, डब्ल्यू ए इंटू डब्ल्यू बी. अब हमें पता है कि ये इट मीन्स यहाँ से ये W डैश भी तो W से बड़ा हो जाएगा क्योंकि इंडिविजुअल बड़े हैं, क्योंकि W A डैश B डैश प्रोडक्ट W A W B से बड़ा हो जाएगा. सो W डैश इज ग्रेटर देन, सॉरी W डैश इज ग्रेटर देन W हो गया. इट मीन्स S डैश इज ग्रेटर देन S, जो कि नई थर्मोडाइनमिक प्रोबेबिलिटी होगी. आप यहाँ से दोनों साइड फिर से वही लॉग लेंगे, लॉग W डैश इज इक्वल टू लॉग डब्ल्यू ए डैश डब्ल्यू बी डैश, इनका सम लेंगे फिर के से मल्टीप्लाई करेंगे तो एस डैश अगेन किसके इक्वल आ जाएगा, एस वन डैश प्लस एस टू डैश. सो एंट्रॉपी जब जैसे ही आप पार्टीशन को रिमूव करेंगे डिफ्यूजन के अंदर एंट्रॉपी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी. सो एंट्रॉपी एस डैश ऑफ द गैस आफ्टर डिफ्यूजन ऑफ द टू गैसेज विल बी इंक्रीज एंड दिस इज अगेन इन अकॉर्डेंस विद द लॉ ऑफ इंक्रीज ऑफ एंट्रॉपी. तो हमने बड़ी डिटेल के अंदर लॉ ऑफ इंक्रीज ऑफ एंट्रॉपी को क्वालिटेटिवली डिस्कस कर लिया है. और मैं बात करूँ कि क्वांटिटेटिव डिस्कशन की, कि हम इनको प्रूव भी करेंगे, इन वैल्यूज़ को फाइंड आउट भी करेंगे एंड टीएस डायग्राम, इंडिकेटर डायग्राम सब डिस्कस करेंगे, लेकिन धीरे धीरे. सो अगली वीडियोस में मिलते हैं फिर से, तब तक के लिए थैंक यू सो मच.